आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के एक बेहद अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। वहीं पूरे विश्व कप में भगवान भरोसे या यूं कहें कि दूसरी टीमों की हार और जीत के भरोसे बैठे पाकिस्तान का पत्ता लगभग कट गया है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। ऑस्ट्रेलिया और भारत पहले से ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इस बार पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने क्रिकेट से ज्यादा दूसरों के हार और जीत की दुआएं की है। पहले उन्होंने भारत की जीत के लिए दुआ की, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के दुआएं की, लेकिन दोनों बार दुआएं कबूल नहीं हुई। अंक तालिका के समीकरण फिर उलझ गए हैं। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना कुछ बातों पर निर्भर करता है जो कि क्रिकेट के लिहाज से लगभग नामुमकिन ही लगती है। पाकिस्तान के लिए जीत का समीकरण कुछ ऐसा है। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे निर्धारित 50 ओवरों में कम से कम 350 रन बनाने होंगे और 350 रन बनाने के बाद भी उसे बेहद दमदार गेंदबाजी भी करनी होगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम को महज 39 रनों में समेटना होगा। कुल मिलाकर गणित यह है कि 350 रन बनाकर भी पाकिस्तान को 311 रनों से जीत की दरकार होगी, लेकिन यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही लगता है। पाकिस्तान का रन रेट 11 अंक वाले न्यूजीलैंड से बेहद कम है। अंतिम मैच में पाक उस हद तक प्रदर्शन नहीं कर पाएगा कि वह सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर ले। टॉस हारने की स्थिति में सारा खेल बांग्लादेश के हाथ में होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनती है तो पहली गेंद फेंकने से पहले ही पाकिस्तान का विश्व कप में सफर समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।